दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पाथ लाइट की पावर सप्लाई के सेकेंडरी में होने वाले खराबी के बारे में बताएंगे और इसको कैसे बनाते हैं इस बारे में भी बताएंगे। पाथ लाइट के प्राइमरी के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है पहले ही, इसके पहले वाले पार्ट में। ये पार्ट 3 है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको लगातार इससे वीडियो मिलते रहेंगे और पाथ लाइट का पूरी टोटल रिपेयरिंग मैं इसमें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और हम अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। ये है पार लाइट, आपको हमने जैसा बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, या अभी फिर से बता रहे हैं। ये जो बाएं साइड का ये कट, जो कट दिख रहा है, कट से बाएं तरफ का भाग इस तरफ का ये प्राइमरी है और इस तरफ का भाग सेकेंडरी है। सेकेंडरी का काम क्या रहता है पावर सप्लाई में? सेकेंडरी का काम ये है इस पावर सप्लाई में कि जो सेकेंडरी में एसी वोल्टेज आएगा यहाँ से इस डायोड के पर चला जाएगा और डायोड से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस डीसी वोल्टेज को यहाँ पे प्रीसेट के द्वारा, और यहाँ पे दो पार्ट्स रहते हैं, एक ऑटो कपलर है 817 ऑटो कपलर का जो है आधा भाग प्राइमरी में काम करता है और आधा भाग सेकेंडरी में काम करता है। और यहाँ पे एक आईसी लगी रहती है 431 3 लेक्स की रहती है, कभी कभी एसएमडी में लगाते हैं। देखिए यहाँ एसएमडी में लगी हुई है, बहुत छोटी है, आपको दिखाई ना दे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये 431 आईसी है एसएमडी की, 3 लेग्स है इसमें, और ये ऑटो कपलर है, ये प्रीसेट है। तो सेकेंडरी सेक्शन में ज़्यादा करके जो खराबी होती है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो डायोड लगा है, ये डायोड कभी कभी ख़राब हो जाता है या फिर ये ड्राई हो जाता है, सोल्डर लूज हो जाने से भी सेकेंडरी ये पावर सप्लाई काम नहीं करती है। ये कंडेंसर ख़राब होने से वोल्टेज कम आता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। सेम वैल्यू का कंडेंसर सेम वोल्टेज का आप डाल दीजिए तो हो जाता है। प्रीसेट खराब होने से सप्लाई अप डाउन होती है बंद, और आपकी पावर लाइट बंद बंद चालू होती है, तो ये चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी पावर सप्लाई बनती नहीं है तो ये ऑटो कपलर चेंज करके आपको देखना होता है। और ये आईसी 431, और ये दोनों ख़राब होने की कंडीशन में कभी कभी पावर सप्लाई बंद चालू भी होती है, तो उसके लिए ये ऑटो कपलर और ये 431 आपको चेंज करना होता है। ये प्रीसेट का वैल्यू 1 के होता है, 102 लिखा रहता है, इसको सेंटर में रख सकते हैं आप, सेंटर में सप्लाई बराबर आता है, या मीटर यहाँ पे रख के, ये जो पिन दिए हुए हैं इसमें मीटर रख के आप इसको वेरी करके एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीसेट अगर आपको नहीं मिले तो यहाँ पे 470 ओम्स का फिक्स रेजिस्टेंस आप दे सकते हैं। इसकी दो पिन एक तरफ लगी हुई होती है और एक पिन अलग रहती है, तो इसको देख के आप एक 470 ओम्स का रेजिस्टेंस डाल देते हैं तो भी सप्लाई काम करती है। यहाँ एक 8.2K का रेजिस्टेंस रहता है जो कि पावर सप्लाई के अक्रॉस में रहता है, और यहाँ एक LED लगी है, जो छोटी LED लगी रहती है वो एक रेजिस्टेंस सप्लाई से, एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसको सप्लाई देते हैं। जब सप्लाई आ जाती है तो LED जलती है, इससे हमको पता चलता है कि सप्लाई बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्टर में 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट एक एक जगह पे है, 2 1 पर है। यहाँ पे देखिए मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये निगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है, ये दोनों पिन एक ही रहता है, लेकिन 4 कनेक्शन दिए हुए हैं। इससे आप पावर सप्लाई को पावर दे सकते हैं। अगर फ़ैन को अलग से देना है तो यहाँ से फ़ैन को डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि पावर लाइट में एक फ़ैन भी रहता है जो ठंडा रखने का काम करता है पावर सप्लाई को। तो इस तरह से सेकेंडरी काम करता है। सेकेंडरी का वर्क आपको हम बता देते हैं शॉर्ट में। ये देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं ट्रांसफार्मर के, वो ये डायोड के ऊपर आ जाते हैं। डायोड के दोनों तरफ एसी वोल्टेज आते हैं और बीच से डीसी वोल्टेज आता है। डायोड का काम यही रहता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। बाद में यहाँ तो कंडेंसर जो लगे हैं बड़े, ये डीसी वोल्टेज को फिल्टर करते हैं। उसके बाद एक कॉइल के द्वारा ये सप्लाई इस पिन पे आती है, और ये प्रीसेट से रेगुलेट होके ये ऑटो कपलर भी पावर सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करता है। सेकेंडरी से प्राइमरी को कंट्रोल करते हैं और ये सप्लाई स्टेबल रहता है, कम अप डाउन नहीं होता है। इसका करंट एम्पियर 2.5 to 5 एम्पियर रहता है ये पावर सप्लाई का। ये सेकेंडरी में जनरली यही फॉल्ट आते हैं, और बाकी ऑटो कपलर इसके पास में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इसको भी मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर ये ऑटो कपलर और आईसी डालने के बाद भी पावर सप्लाई प्रॉब्लम कर रही है तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस वगैरह को आप मीटर पर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरे पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।